हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरीज में, तो ये पुरानी बुक है इसमें, इसलिए इसमें 7 नंबर लिखा है, लेकिन शायद आपके में ये 3rd चैप्टर है तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद शॉर्ट स्टोरीज में ये आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लॉस्ट चाइल्ड का मतलब खोया हुआ बच्चा, ध्यान दीजिएगा, खोया हुआ बच्चा मतलब इस चैप्टर में जो राइटर हैं उन्होंने एक बाल मनोविज्ञान का इतना सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि एक बालक है कि जब वो अपने माँ बाप के साथ रहता है तो उसे कहीं मिठाई की इच्छा होती है, कहीं फूलों की इच्छा होती है, गुब्बारों की इच्छा होती है, झूले में बैठने की इच्छा होती है, लेकिन जब माँ बाप उसके खो जाते हैं तब वो सिर्फ अपने माँ बाप को चाहता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि अब सब कुछ उसे मिल रहा है लेकिन अब वो उसे कुछ नहीं चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण है, और देखिए फिर स्टोरी एंजॉय करिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। याद रहे मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्ट स्टोरीज में मैं एक एक वर्ड की हिंदी आपको नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट इंग्लिश बताता हूँ। प्रोज या पोएट्री जब पढ़ाता हूँ तब एक एक वर्ड की इंग्लिश बताता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज में केवल डायरेक्ट हिंदी रहती है। तो चलिए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का ऋतु थी, उसमें एक कोई त्यौहार था, वसंत का कोई त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरोलेंस एंड एलीज इमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ठीक है, एज अ स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स स्विंग फ्रॉम अ वैरन। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज, लेंस एंड एलीज गली कूचे जिसे कहते हैं, नैरो माने संकीर्ण, तो तंग गली कूचो की शीतकालीन छाया से, यानी जो तंग गली कूचे हैं, अब ठंडक भी है उसमें, तो उसकी शीतकालीन छाया से अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, गेली चमकदार क्लैड पहने हुए ह्यूमैनिटी, मानवता यानी मानव लोग, मतलब चमकदार कपड़े पहने हुए मानव लोगों की भीड़ उमड़ रही है, निकल रही है, कहाँ से, तंग गली कूचों से, जो कि सर्दी का मौसम है इसलिए तंग गली कूचों की छायादार शीतकालीन छाया से चमकदार कपड़े पहने हुए मानव लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ठीक घनी भीड़ उमड़ रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड यानी चमकीले रंगों वाले झुंड, किसका, रैबिट्स खरगोशों का, स्विंग निकल रहा फ्रॉम वैरन, वैरन माने खरगोशों के रहने का स्थान, तो वो मानव लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खरगोशों के रहने के स्थान से चमकदार रंगों वाले खरगोशों का झुंड जो है अपने बिलों में से निकल रहा हो, ये कहने का मतलब है। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ ए स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ ए स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स। वे सभी लोग मतलब मानव जो थे वो शहर के दरवाजों के बाहर सूर्य की चमकदार चमकती हुई चांदी जैसी रोशनी के उमड़ते हुए समुद्र में प्रवेश कर रहे थे। मतलब वे सब मानव लोग जो थे वो शहर के बाहर सूर्य की रोशनी की चांदी जैसी चमकते हुए उमड़ते हुए समुद्र में प्रवेश कर रहे थे और स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, और मेले की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, अदर साइड कुछ लोग बैठे हुए थे। बींग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग जो है बांस की बनी हुई बैल गाड़ियों में जो है बैठे हुए थे और ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, एक छोटा लड़का जो है अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफर, वो जो छोटा लड़का था वो जीवन एवं आनंद से लबालब भरा हुआ था, यानी उसको बहुत ही आनंद था, एकदम अंदर से प्रफुल्लित था, वो अपने माता पिता पैरों के बीच से दौड़ रहा था। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इन टू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। कह रहा है कि आनंद से भरी हुई सुबह जो है वो उन लोगों को
जो फूलों और गीतों से भरे हुए खेतों में से निकल के बाहर आ रहे थे, उन लोगों को आनंद से भरी हुई सुबह जो है वो बधाई दे रही थी तथा बाहर आने का खुला निमंत्रण दे रही थी। मतलब आनंद से भरी हुई सुबह फूलों और गीतों से भरे हुए खेतों में आने के लिए उन लोगों को बधाई एवं खुला निमंत्रण दे रही थी। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड और स्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। आओ बच्चे यहाँ पर आओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे बुलाया। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे छूट गया। अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द अवे, और जैसे ही वो जो पंक्तिबद्ध रूप से जो दुकानें खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी उनके द्वारा, उन खिलौनों के द्वारा आकर्षित होकर जैसे ही वो पीछे छूट गया, उसके माता पिता ने उसको बुलाया, आओ बच्चे यहाँ पर आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो बहुत तेज़ी से अपने माता पिता के पास गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैरों ने उसकी आज्ञा को, उसकी पुकार की आज्ञा मानी। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और वो भले ही अपने माता पिता की ओर जा रहा था लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों की ओर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, और जैसे ही वो उस स्थान पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसका, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अपने हृदय की इच्छा को का दमन नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, यद्यपि वो अच्छी तरीके से पुरानी ठंडी अस्वीकार, उनके आंखों में अस्वीकार्यता की जो बात थी वो अच्छी तरीके से जानता था कि मैं जो है अगर कोई चीज़ मांगूंगा तो मेरे माता पिता उस चीज़ को लेने से मना कर देंगे। तो वो पुरानी अस्वीकार्यता की जो भावना थी वो उसे अपने माता पिता की आंखों में वो परिचित था। फिर भी वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो प्रार्थना करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, उसके पिता ने उसकी तरफ पुरानी परिचित तरीके से लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माता जो कि दिन के स्वच्छंद वातावरण से कुछ द्रवित थी, कोमलता की भावना उनके मन में थी। उन्होंने एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, उन्होंने अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाई और कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउंडिंग सॉब ऑफ अ ब्रीद मदर व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई। कह रहे उस बच्चे की अपूर्ण इच्छा, उस बच्चे की अपूर्ण इच्छा जो थी उसकी जो दुख भरी भावना थी वो मुश्किल से ही अभी भारी भरकम सिसकियों में बदल पाई, सिसकियों में वो मदर यानी माता ही कह पाया जब उसने अपने सामने की चीज़ें, उसके सामने की चीज़ों का आकर्षण उसकी आंखों में भर गया। मतलब अभी उसकी अपूर्ण इच्छा थी, इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उसकी जो गंभीर भावना थी, दुख भरी भावना थी वो मुश्किल से ही अभी सिसकियों यानी रोने पे आया था कि उसके सामने वाली चीज़ों का जो आकर्षण था वो उसकी आंखों में भर गया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, उन लोगों ने उस धूल भरी सड़क को छोड़ दिया जिस पर वो लोग बहुत देर से चल रहे थे। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्किटियसली टू द नॉर्थ, और ये जो रोड थी वो चक्कर काटती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, वे लोग अब एक खेत में एक पगडंडी पर आ गए थे, मेड़ वगैरह नहीं होती है खेतों में, उस पर आ गए थे, उस पर चलने लगे थे। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, कह रहे ये जो है एक सरसों का खेत था, समृद्ध सरसों का खेत था यानी खूब घनी सरसों लगी हुई थी। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो जो है पिघलते हुए सोने के समान पीला दिखाई पड़ रहा था।
पीले होते हैं ना सरसों के फूल, तो वही देखने में लग रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भूमि पर मीलों मीलों जो है कौन फैला हुआ है, अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट। कह रहे हैं कि उस फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग की नदी जो है वो भूमि पर जो है मीलों फैली हुई है। एबिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, और वो नदी जो है तेज चलने वाली वायु से टकराकर ऊपर नीचे हो रही है, उसमें ज्वार भाटा आ रहा है। भाई फूल लहरा रहे हैं ना हवा के चलने से, इसलिए जैसे लग रहा है कि वो ऊपर नीचे जा रही है। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इन टू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी जो है छोटी छोटी जलधाराओं के मध्य में कहीं भटक रही है। वो विस्तृत नदी, उससे छोटी छोटी धाराएं आके मिल रही हैं, उनके मध्य में वो कहीं भटक रही है। येट रनिंग इन अ कंस्टेंट सनी स्वीप टुवार्ड्स द डिस्टेंट मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, फिर भी उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी जो है चांदी के प्रकाश के समुद्र की मृग त्रिष्ठा में, जो कि दूर कहीं है, उस ओर सूर्य की रोशनी में वो नदी चलती चली जा रही है। मतलब वो नदी जो है सूर्य की रोशनी में चलती चली जा रही है, दूर कहीं चांदी के प्रकाश के समुद्र की मृग तृष्णा में। मृग तृष्णा जो वास्तव में होती नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है। वेयर इट एंडेड, जहां पर ये खत्म होती थी, ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस, जहां पर ये खत्म होता था खेत, वहीं पर जो है मिट्टी की दीवारों वाले छोटे छोटे घरों का झुंड था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रॉब्ड मेन एंड वुमेन फ्रॉम विच अरोज अ हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग क्रीकिंग स्क्वीकिंग रोरिंग हमिंग नॉइजेस स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव्स टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैट लॉफर। कह रहे हैं कि उन छोटे छोटे जो घर थे मिट्टी की दीवारों के बने हुए, जो छोटे छोटे घर थे, उनके गली कूचों में वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए पुरुषों और स्त्रियों की बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ें कौन कौन सी थी, कहीं सीटी बजाने की आवाज़ आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, गर्जन करने की आवाज़ आ रही थी, उनके शोर मचाने की आवाज़ आ रही थी। जो पुरुष और स्त्रियां इतने सारे मानव, जब कहीं भीड़ जाएगी तो इतनी आवाज़ आना स्वाभाविक है। ये सारी आवाज़ें आ रही थी और इन सारी आवाज़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये सारी आवाज़ें भगवान शिव की जो अट्टहास के, भगवान शिव का जो आश्चर्यजनक अट्टहास है, वो अट्टहास उनके नीले रंग के नीले कंठ के समान जो आसमान है उसमें कहीं वो आवाज़ चलती चली जा रही है। मतलब वो सारी आवाज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव के जो है अट्टहास, आश्चर्यजनक अट्टहास भगवान शिव का जो है वो उनके नीले गले के समान जो नीला आकाश है उसमें कहीं चलता चला जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक चैप्टर आपका हो गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।